हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इग्नू की सॉल्व असाइनमेंट 2020-2021 सेशन के लिए। आज की जो आपकी असाइनमेंट है ये आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की है, जिसका कोड है BEGAE 182। और आपकी असाइनमेंट इंग्लिश में ही होगी क्योंकि आपका इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है ये। इस असाइनमेंट में टोटल आपके 6 क्वेश्चंस है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपको, उसमें से 6 सब पार्ट है जिसमें से आपको 4 करने हैं। बाकी के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन है वो एक ही पार्ट है और आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। सिर्फ पहले क्वेश्चन में ही आपको 6 में से 4 करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें 3 पार्ट्स में आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, उसके 6 पार्ट्स में से 4 करने हैं। सेक्शन बी में हमारे 2 क्वेश्चन हैं, दोनों करने हैं। और सेक्शन सी में सबसे बड़ा सेक्शन है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, जिसमें 3 क्वेश्चन हैं और तीनों आपने अटेम्प्ट करने हैं। साथ में ही मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने कैसे असाइनमेंट को बनाना है और कैसे उसको सबमिट करना है, ताकि आप अपने असाइनमेंट में अच्छा स्कोर कर सको। तो हो सकता है कुछ वीडियो आपकी लंबी बने, तो ऐसा मत सोचना कि कंटेंट नहीं है इसमें, कंटेंट है, क्योंकि साथ में आपको मैं असाइनमेंट के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे उसको बनाना है और कैसे उसको सबमिट करना है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको असाइनमेंट में और फाइनली आपका पॉइंटर और जो परसेंटेज है वो अच्छी बन सके आपकी। तो अगर आपको ये वीडियो आपकी अच्छी लगे, मेरी असाइनमेंट आपको अच्छी लगे, तो इसको लाइक करो। मैंने 500 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो मेरे इस टारगेट को पूरा करने के लिए मेरी हेल्प कीजिए। और आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स बने हुए हैं आपके फ्रेंड्स के, या फिर किसी ग्रुप से आप जुड़े हुए हो, उसमें इस वीडियो को शेयर करें, इस असाइनमेंट को शेयर करें, ताकि जो भी आपके अदर फ्रेंड्स हैं वो भी इस असाइनमेंट को टाइम से बना के सबमिट कर सकें। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आपको मेरे असाइनमेंट कैसी लगे, और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि रेटिंग करनी है मेरी वीडियो की और मेरे असाइनमेंट की 10 पॉइंटर स्केल पे। और साथ में अगर कोई सजेशन होगा असाइनमेंट और वीडियो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, तो वो भी आपने उसमें लिखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम उन सजेशन बेस पे मैं अपनी असाइनमेंट और वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो 500 लाइक्स का टारगेट को पूरा करने के लिए मेरी हेल्प कीजिए और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट, इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर है आपको इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। अगर वो लिंक वर्किंग नहीं करेगा तो आप इग्नू की वेबसाइट से जाके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सर्च करके भी लिखोगे BEGAE 182 असाइनमेंट 2020-2021, तभी आपको मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन पेपर आपने प्रिंट आउट करके रखना भी है, क्योंकि प्रिंट आउट क्वेश्चन पेपर आपको अटैच करना होगा असाइनमेंट से पहले, उसके बाद आपको असाइनमेंट अटैच करनी है। तो सिर्फ जो लास्ट का पेज है जिसमें क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ वो ही प्रिंट आउट करना आपको। पूरा का पूरा असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का पूरा प्रिंट आउट नहीं करना है। क्वेश्चन बुकलेट जो आपको मिलेगी, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में 2-3 पेज होते हैं। पहला पेज होता है फ्रंट पेज, जिसमें इग्नू का नाम और डिटेल लिखते हैं सब्जेक्ट की, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा डिटेल्स है कि कब आपने सबमिट करनी है, कैसे बनानी है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो जो भी लास्ट पेज या फिर कभी कभी 2 पेज तक भी होता है, उसको प्रिंट आउट करो और फिर असाइनमेंट से पहले उसको अटैच करो। अब जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें ये आपने जरूर देखना कि आपका सेशन सही है कि नहीं। तो ये जो लिखा है प्रोग्राम BAG 2020-2021, ये सेशन आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आप 2019-2020 के असाइनमेंट बनाओगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कोई भी असाइनमेंट हो, आपको 2020-2021 सेशन उसमें देखना ही है। या तो कहिएगा 2020 ही लिखा होता है, या फिर 2020-2021 भी लिखा होगा। इस वाले असाइनमेंट में चाहे 2020 ही लिखा है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन उससे पहले 2020-2021 लिखा हुआ है, तो मैंने इसमें एडिट करके लिख दिया है। तो इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं और आपके टोटल असाइनमेंट है 100 मार्क्स की। इसमें जो सेक्शन 1 है उसमें आपके 6 क्वेश्चंस हैं और उनमें से आपने 4 करना है,
और हर एक क्वेश्चन को 150 वर्ड्स में करना है। और हर एक क्वेश्चन इस पहले 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 सेक्शन में आपका 5 नंबर का है, तो टोटल सेक्शन है 20 नंबर का आपका। वैसे सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन है, आप दोनों करने आपने, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो ये सेक्शन में आपका 20 मार्क्स का ही है। नेक्स्ट सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है आपके, पांचवा चौथा पांचवा और छठा, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का और तीनों आपने करने हैं। तो सेक्शन सी आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स है, टोटल 60 मार्क्स है, बाकी 2 सेक्शन 20 20 मार्क्स के हैं, लेकिन सेक्शन सी आपका 60 मार्क्स का। और इसमें जो क्वेश्चन भी है वो 300 वर्ड्स के हैं, लेंथी क्वेश्चन आपने लिखने हैं, तो उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, और या तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना आप। और साथ में मैंने इग्नू असाइनमेंट 2020 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, इग्नू सॉल्व असाइनमेंट 2020 2021 के नाम से, तो वहां से भी आप जाके मेरी बाकी प्रीवियस असाइनमेंट्स को दे सकते हो, या फिर जो असाइनमेंट मैं बाद में भी अपलोड करूंगा वो भी आप वहां से जाके देख सकते हो। और अगर कोई मैं असाइनमेंट नहीं बना पाया तो मेरे किसी यूट्यूब फ्रेंड ने बनाई होगी तो उसका लिंक भी मैं वहां पर दे दूंगा। इससे एडवांटेज क्या होगी, आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारी सारी इग्नू की असाइनमेंट मिल जाएगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारी सारी असाइनमेंट मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो नेक्स्ट सबमिशन ऑफ द कंप्लीटेड असाइनमेंट, तो कैसे आप सबमिट करोगे असाइनमेंट की और कब करोगे, तो जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल हुए हैं जुलाई 2020 में, उनकी लास्ट डेट सबमिशन की 30 अप्रैल 2021, और जिन स्टूडेंट ने एनरोल किया है जनवरी 2021 में, उनकी है 31 अक्टूबर 2021। तो 2021 में आपने सबमिट करी है दोनों असाइनमेंट, तो कई बार ये डेट्स चेंज भी करते हैं रैंडमली, कई बार अप्रैल की जगह मार्च भी हो जाता है, या फिर अक्टूबर की जगह सेप्टेम्बर भी कर देते हैं, तो ऐसा मत ट्राई करो कि हर बार आपने जो असाइनमेंट सबमिशन करनी है वो अप्रैल में करनी है या फिर अक्टूबर में करनी है जनवरी वालों ने, ऐसा ट्राई करो इसके 2 3 महीने पहले करो, ताकि जैसे अप्रैल वाले जनवरी फरवरी में सबमिट कर दो और अक्टूबर वाले इसको जून जुलाई 2021 से में सबमिट कर देना, ताकि आप टाइम से सबमिट करोगे तो आपको टाइम से असाइनमेंट मिलेगी और आप असाइनमेंट बेसिस पे ही अपने फाइनल पेपर की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जो भी इग्नू के मेनली क्वेश्चन पेपर आते हैं फाइनल एग्जाम के लिए, वो आपको प्रीवियस असाइनमेंट से या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं, तो असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए। और कहाँ आपने इसको सबमिट करना है, तो जो भी आपने स्टडी सेंटर चूज किए होंगे वहां पर आपके जो भी प्रोग्राम है उनके कोऑर्डिनेटर बने होंगे, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए डिफरेंट, बैचलर ऑफ साइंसेज के लिए डिफरेंट कोऑर्डिनेटर, बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स, तो वहां जाकर आपने पूछना है स्टडी सेंटर में कि हमारे कोऑर्डिनेटर्स कौन है, और फिर कोऑर्डिनेटर या फिर स्टडी सेंटर से जानकारी लेनी है कि आपने असाइनमेंट किस में बनानी है। कई जगह बोलते हैं कि आप नोटबुक में बनाओ, कई जगह बोलते हैं लूट शीट में बनाओ, कई जगह बोलते हैं कि एक ही जो सेम सब्जेक्ट है उनकी एक ही नोटबुक में बनाओ, या फिर एक ही फाइल में बनाओ, या फिर सारे सब्जेक्ट एक ही जगह बनाओ, तो वो सारी जानकारी आपने स्टडी सेंटर से लेनी है, ताकि अगर आप अकॉर्डिंग टू स्टडी सेंटर या फिर कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग असाइनमेंट बनाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी आपने स्टडी सेंटर से लेनी है, और इसके अलावा भी कोई जानकारी अगर पूछनी होगी तब वो भी आप स्टडी सेंटर से ले सकते हो, जैसे हॉल टिकट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड, तो वो सारी जानकारी आप स्टडी सेंटर से गेन कर सकते हो। नेक्स्ट इन द फाइनल रिजल्ट, जो आपके असाइनमेंट की वेटेज है वो 30% है, और 70% वेटेज है हमारी आपकी जो फाइनल एग्जाम होगा आपका उसकी, तो 30% वेटेज बहुत ज़्यादा है आपसे की असाइनमेंट की, तो मेनली आपको पता है कि असाइनमेंट में अराउंड 70 to 80% नंबर सबको मिल जाते हैं, अगर आप और अच्छा करोगे तो 80 से 90 गेन कर सकते हो, तो 30% में से आप अराउंड 25% के अराउंड ही स्कोर कर सकते हो इजिली, इससे ज़्यादा स्कोर भी कर सकते हो आप, पर मेनली 23 से 25% आपको मिल जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा कहीं पर भी, अगर 10 मार्क्स की असाइनमेंट हो तो 7 to 8 मार्क्स अगर आपने सारे अटेम्प्ट किए तो मिल जाते हैं, तो टाइम से सबमिट करो ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे 70 को 80% में कन्वर्ट करें, या फिर 80 को 90% में कन्वर्ट करें असाइनमेंट में, तो उसके लिए क्या करो, अब आपने आपके जो भी स्टडी सेंटर हो वो मेनली आपके कोई स्टडी कॉलेज ही होते हैं या फिर कोई स्टडी सेंटर ही होंगे, तो वहां पर कुछ आपके अराउंड कोई कोई बच्चे रेगुलर कोर्सेज वहां कर रहे होंगे, तो आपने उन स्टूडेंट से पूछना कि वहां पर जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के टीचर कौन है वहां पर, क्योंकि
जो आपकी असाइनमेंट है वो पर्टिकुलर टीचर के पास जाती है। तो आपने जो भी रेगुलर स्टूडेंट वहां पढ़ रहे होंगे उनसे पूछना है कि जो इंग्लिश के टीचर है वो किस बेसिस पे आपको नंबर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कई टीचर्स है वो हैंड राइटिंग बेस पे नंबर प्रोवाइड करते हैं, कई टीचर्स है अगर आपने सजा सजा के लिखा होगा, अच्छी तरह फॉलो किया होगा, या फिर कई टीचर्स है जो लेंथ ही ज़्यादा लिखोगे उस बेसिस पे आपके नंबर देंगे, या फिर कितने पेज आपने भरे हैं उस बेसिस पे आपको नंबर देते हैं। तो जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे जानकारी ले लो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर किस बेसिस पे वहाँ पर नंबर देते हैं, ताकि अगर टीचर बेस पे आप असाइनमेंट बनाते हो, आपने देखा होगा जिस तरह की टीचर को चाहिए होगी, अगर आप उसी तरह की असाइनमेंट बनाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो उसमें जो भी असाइनमेंट में हाइलाइटेड पोर्शन होता है, बोल्डेड पोर्शन होता है, उसको ट्राई करो पेन स्केच या ब्लैक पेन से लिखो हेडिंग्स को, क्वेश्चन को, ताकि आप अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सको। और इस असाइनमेंट में 100 मार्क्स की आपको पता है तो पासिंग मार्क्स आपको 35% चाहिए, मीन्स 100 में से 35 नंबर चाहिए, पर मेनली 70 to 80% आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनको 70 को 80 और 80 को 90 में कन्वर्ट करने के लिए आप जो भी रेगुलर स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं तो उनसे जानकारी ले कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर वहाँ पर किस बेसिस पे नंबर देते हैं, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। नेक्स्ट, आप इस तरह का एक फ्रंट पेज बना सकते हो, इसको वर्ड फाइल में बना सकते हो, या फिर इस तरह की सॉफ्ट कॉपीज वर्ड फाइल PDF या फिर इमेजेस की मिल जाती है सर्च करके, तो सर्च करके आप इंटरनेट पे दे सकते हो। तो इसमें पहले आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, प्रोग्राम कोड जैसे BAG, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंसेज, नेक्स्ट रीजनल सेंटर का नाम, स्टडी सेंटर का नाम, स्टडी सेंटर कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल। इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल वही डालना जो आपने इग्नू में रजिस्टर की है। तो इस तरह का पेज आप फ्रंट पेज बना सकते हो, उसका प्रिंट आउट लेना आपने, या फिर अगर आप प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते हैं तो इसको हैंड रिटन भी लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अब इसमें मैंने सब्जेक्ट डिटेल और सब्जेक्ट कोड नहीं डाला है। इसके एडवांटेज क्या होगी आपको कि अगर आप एक बार प्रिंट आउट लेते हो, एक बार असाइनमेंट आपने सबमिट कर दी, तो जो भी मैंने डिटेल इसमें लिखी है ये सारी डिटेल आपकी हर सेमेस्टर में यूज होगी, हर सब्जेक्ट में यूज होगी, किसी भी ईयर में आप यूज कर सकते हो। तो जब आप असाइनमेंट सबमिट करोगे नेक्स्ट टाइम, जब आपको सबमिट असाइनमेंट वापस मिलेगी तो सेम प्रिंट पे फ्रंट पेज आप दोबारा किसी और असाइनमेंट में नेक्स्ट ईयर में लगा सकते हो, तो एक तरह की आपकी बचत हो जाएगी। तो ट्राई करो इस पेज में आप सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम, सेमेस्टर, ईयर कुछ ना लिखें, उसके लिए क्या करो एक एक्स्ट्रा पेज अटैच कर लो, वहां पर हैंड रिटन से सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, ईयर वगैरह आप लिख सकते हो, ताकि आपकी सेविंग हो जाए। तो सबसे पहले आपने एक फ्रंट पेज बनाना है इस तरह का, हैंड रिटन या फिर प्रिंट आउट ले लो। उसके बाद आपने अटैच करना है आपका आईडी कार्ड, जो आपके आईडी का आइडेंटिटी कार्ड मिला है आपको इग्नू की वेबसाइट पे देख लेना, लॉग इन करके आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा। तो पहले आपने फ्रंट पेज बनाना है, उसका आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर, जो भी इग्नू की साइट की आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा उसको प्रिंट आउट लो लास्ट के पेज का ही जहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं। तो ये तीनों आपने पहले अटैच करने हैं, फ्रंट पेज, आईडी कार्ड और क्वेश्चन पेपर। आईडी कार्ड अटैच करने का फायदा ये होगा कि उसमें जो आपकी डिटेल्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो अगर यहाँ पर कुछ गलती हो फ्रंट पेज में आपकी तो वहां से वो करेक्ट हो जाए। और एक तरह की बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको आईडी कार्ड अटैच करना ही चाहिए, वैसे आईडी कार्ड कंपलसरी नहीं है लेकिन अटैच करूँ। तो फ्रंट पेज, आईडी कार्ड, फिर क्वेश्चन पेपर। अगर मान लो कहीं स्टडी सेंटर बोलते कि आप एक ही नोटबुक या फिर एक ही फाइल में 3-4 असाइनमेंट बना सकते हो सेम सब्जेक्ट की, जैसे मान लो आपके इंग्लिश के 2 या 3 सब्जेक्ट है, तो उस केस में क्या करो, पहले फ्रंट पेज, फिर आईडी कार्ड, फिर पहले असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, फिर पहले असाइनमेंट अटैच करो, उसका सेकेंड असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, सेकेंड असाइनमेंट अटैच करो, फिर थर्ड असाइनमेंट का, फिर अटैच। तो फ्रंट पेज और आईडी कार्ड आपका, चाहे एक असाइनमेंट बना रहे हो या फिर 3-4 बना रहे हो एक में या 2 बना रहे हो, तो फ्रंट पेज आईडी कार्ड आपने एक बार लगाना है, बाकी हर एक असाइनमेंट के सामने उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर अटैच करना है आपने। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका पहला क्वेश्चन। तो पहले हम आपको 4 क्वेश्चन ही बोले हैं, तो मैंने 4 ही अटेम्प्ट किए इसमें, क्वेश्चन नंबर देख लेना आप। वैसे आप पेपर के लिए आप जो 6 के 6 क्वेश्चन उनको ट्राई करना, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं कि 4 ही आएंगे, वो 6 भी आ सकते हैं। तो इसमें जो मैंने क्वेश्चन किए हैं, जैसे 150 वर्ड का बोला है, तो मैंने ट्राई किया इसको 150 से ज़्यादा में किया है, 200 वर्ड्स में। इसके एडवांटेज क्या होगी आपको, आप पहले क्या करो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो, उसका जो जो मेन पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में हैं उनको ही आपने उसमें लिखना है, जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है उसको कट करके आपने इसको 150 वर्ड में लिखना है। इससे एडवांटेज क्या होगी, अगर आप अपनी पॉइंट्स में लिखोगे तो उससे आपको
जो भी आपने असाइनमेंट में लिखा होगा उसकी पूरी नॉलेज होगी, और फाइनली जब आप असाइनमेंट सबमिट करके रिटर्न करोगे, मिलेगी आपको टीचरों से, स्टडी सेंटर से, तो उसके एडवांटेज क्या होगी आपको कि जब आप असाइनमेंट अपने आप द्वारा पढ़ोगे, आपने अपने वर्ड्स में लिखा होगा, तो वहां से इजिली आप रिमेंबर कर सकते हो फाइनल एग्जाम के लिए। तो असाइनमेंट के साथ साथ आपकी फाइनल एग्जाम की तैयारी भी इससे हो जाएगी। तो पहले पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और फिर उसके मेन में पॉइंट्स आपने लिखने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आपकी असाइनमेंट भी अच्छी बने, आपको असाइनमेंट की नॉलेज भी हो और यहीं से फाइनल एग्जाम की तैयारी भी हो जाए। क्योंकि जब आप अपने आप लिखते हो तो उसको दोबारा पढ़ना पढ़ेंगे तो इजिली रिमेंबर हो जाता है। तो एक तरह के नोट्स ही बन जाएगी आपके असाइनमेंट की, इसलिए टाइम से पहले सबमिट करो ताकि जल्दी रिटर्न और फाइनल एग्जाम की तैयारी कर सको। तो फाइनल एग्जाम के लिए भी इन्हीं क्वेश्चन को मेनली पढ़ो, इनमें से मेनली पासिंग मार्क्स क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, या फिर प्रीवियस असाइनमेंट भी चेक कर सकते हो आप। तो इसमें स्लोली मूव कराऊंगा, तो एक एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो और जो जो मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ही आपने लिखना है। इसमें मैंने लेंथी क्वेश्चन किए होंगे कई बार, तो उनको आप अपने आप एलिमिनेट कर सकते हो। इसमें मैंने असल जो असाइनमेंट है वो डिफरेंट सोर्सेज से बनाई है, तो हो सकता है कुछ लाइन्स या कुछ पैरे रिपीट हो गए हों, तो उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। पर पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और फिर जो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ही आपने लिखना है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, इस असाइनमेंट को शेयर करो, जो भी ग्रुप्स हैं आपके स्टडी ग्रुप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे, उन पे शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि वो भी टाइम से असाइनमेंट सबमिट करा सकें। तो स्लोली मूव कराऊंगा मैं इसमें, और मेरे 500 लाइक्स का टारगेट को पूरा करो, ताकि बाकी फ्रेंड्स भी इसको जल्दी से जल्दी गेन कर सकें, उनको जब भी सर्च करें तो इजिली अवेलेबल हो यूट्यूब पे। तो 500 लाइक का टारगेट पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि असाइनमेंट आपको कैसी लगे, ताकि 10 पॉइंट स्केल में जो आप लिखोगे तो मुझे एक तरह का मोटिवेशन मिल जाएगा कि किस तरह की क्वालिटी आपको प्रोवाइड करनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम उसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो कोई भी सजेशन हो वो भी आपने लिखना है, और जब आपके असाइनमेंट सबमिट होकर वापस आएगी तो आपको लिखना भी, बाद में बताना मुझे कि कितने नंबर मिले आपको असाइनमेंट में 100 में से, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ।
इसमें मैंने थर्ड का पांचवा क्वेश्चन किया है, फोर्थ क्वेश्चन नहीं किया और सिक्स्थ नहीं किया है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ किया है। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप चौथे को भी पढ़ो और छठे को भी पढ़ना, क्योंकि हो सकता है पेपर में पाँच या चार ना है, वो दो आ जाए। तो पेपर के लिए आप सभी को पढ़ो पूरी, इसकी पूरी असाइनमेंट किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे ऑप्शन हो चाहे नहीं, पूरी की पूरी असाइनमेंट आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए आपको पूरी असाइनमेंट पढ़नी है। यहाँ से आपका सेक्शन भी स्टार्ट हो रहा है, इसमें दो क्वेश्चन है और दोनों करने आपने, और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है।
Ya
यहाँ से आपका सेक्शन फोर स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन सी। इसके ऊपर लिख भी देना सेक्शन सी, क्योंकि चौथा क्वेश्चन मीन्स कौन सा सेक्शन है ये, सेक्शन सी। तो टॉप में सेक्शन सी लिखना है, उसका क्वेश्चन और फिर उसका आंसर। तो सेक्शन सी लिखना भूल गया हूँ मैं इसमें, तो सेक्शन सी आपने ऊपर लिखना है, क्योंकि सेक्शन या फिर असाइनमेंट ए बी सी भी कई जगह लिखा होता है, तो उसको आपको लिखना चाहिए। तो सेक्शन सी लिख लेना ऊपर टॉप में, और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना।
लास्ट क्वेश्चन आपका सिक्स क्वेश्चन, जो कि ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड है। जिसमें आपको ग्रुप डिस्कशन करनी है 5 स्टूडेंट्स के बीच में। तो मोस्ट कॉमन 5 नंबर्स में मेरे को 4 ही नाम आए याद, महाभारत के युधिष्ठिर जी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। आप अपने अकॉर्डिंग नेम चेंज कर सकते हैं। या फिर आप अपने पॉइंट्स में से लिख सकते हो। इसमें ई लर्निंग का मतलब है ऑनलाइन लर्निंग, ई मीन्स इंटरनेट लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और 500 लाइक्स के टारगेट पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए। वीडियो शायद काफ़ी लंबी हो गई होगी लेकिन इसमें कंटेंट अच्छा है, आपने देखा होगा। और हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट करने को की ट्राई कीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन शायद बहुत लेंथी हो गए होंगे। और टाइम पे असाइनमेंट को सबमिट कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको असाइनमेंट कैसी लगे। तो 10 पॉइंट स्केल में आपको रेटिंग करनी है। और जब आपकी असाइनमेंट सबमिशन के बाद रिटर्न हो जाए तो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने 100 में से कितना स्कोर किया है, टीचर्स ने आपको कितना स्कोर दिया है, ताकि नेक्स्ट टाइम उससे भी बेटर स्कोर आपको मिल सके, उसके लिए मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द असाइनमेंट बना के सबमिट कर सके। और प्लेलिस्ट का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से बाकी वीडियोस को भी आप देख सकते हो जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। या फिर किसी फ्रेंड से फ्रेंड को चाहिए होगी तो उनको भी आप सेंड कर सकते हो, उनको भी लिंक शेयर कर सकते हो। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना और अपने अकॉर्डिंग लिखो ताकि आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी भी यहीं से हो जाए। इसमें जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए, जैसे 4th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन नहीं किया पहले क्वेश्चन के सब पार्ट में, तो उनको भी आपने फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करो। क्योंकि मेनली 6 क्वेश्चन स्टार्टिंग में और उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपके 5 क्वेश्चन हैं, टोटल 11 क्वेश्चन है इसमें, तो सबको पढ़ो। इनमें से मेन चांसेस है कि आपको फाइनल एग्जाम में कुछ ना कुछ रिपीट हो सकता है, क्योंकि मेनली इग्नू में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं आपको, या फिर प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट से ही क्वेश्चन पेपर आता है फाइनल। तो असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
तो यहाँ पर आपकी असाइनमेंट सबमिट होती है, कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरी असाइनमेंट अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए। और जो भी आपके स्टडीज ग्रुप से या फिर स्टडी सेंटर जो भी आपके हैं फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस असाइनमेंट को शेयर कीजिए, ताकि वो टाइम पे असाइनमेंट को बना सके। आप भी इसको टाइम पे बनाएं और टाइम पे सबमिट करना सारे। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट टाइम मेरे वीडियो की नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको जल्द से जल्द मिल सके। और कमेंट सेक्शन में आपने रेटिंग करनी है मेरी वीडियो की, इस असाइनमेंट की 10 पॉइंटर स्केल में, मीन 10 में से कितने नंबर्स की आपको लगती है। और कोई भी सजेशन हो असाइनमेंट से रिलेटेड और वीडियो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वो भी आपने मुझे बताना है। तो टाइम से असाइनमेंट को सबमिट कीजिए और टाइम से उसको वापस ले लेना और फाइनल एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी कीजिए। और फाइनल एग्जाम में भी असाइनमेंट के साथ साथ फाइनल एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करो, ताकि आपकी फाइनल पॉइंट या फिर परसेंटेज अच्छी बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।